सुरेंद्र क्या लेके जा रहा बता मेरे। अरे चुप बैग। सुन 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 ना। अरे चुप सुरेंद्र, तू मेरे को बैग बता क्या। अरे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। सुन मैं तुमको बता रहा हूँ, तू बैग बता क्या है। हरिप्रसाद नाम भगवान का और काम शैतान के। नहीं 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 सर, साहब मैं निर्दोष आदमी हूँ। निर्दोष है? हाँ, मैंने नहीं मारा सुरेंद्र को। देख अगर तू सच नहीं बोलेगा तो सुरेंद्र के मर्डर के चार्जेस वैसे भी तेरे सर पे लगेंगे। नहीं नहीं सर। और अगर सच बोल देगा तो शायद मैं तेरी मदद कर पाऊँ। विश्वास करो साहब, मैं क्यों मारूंगा उसको। तू जानता था कि उस रात को सुरेंद्र घर से सामान चोरी करके बाहर जा रहा था? तो बैग में वो सामान भर रहा था साहब, मैंने उसको देखा था साहब। मैं रोकने की कोशिश कर रहा साहब, वो मेरे को धक्का देकर भाग गया साहब। जब तक मैं वहां पहुंचा वो मर गया था साहब। लेकिन उस वक्त घर पे और कोई था ही नहीं, तो फिर सुरेंद्र को मारा किसने? कोई नहीं था साहब। साहब घर में भूत रहता है। भूत? हाँ साहब, भूत रहता है। आप यकीन करो, सही बोल रहा हूँ साहब। आप मान लो मेरी बात साहब। साहब ये देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुरेंद्र की मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है। उसका बॉडी टेम्परेचर 122 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई। जबकि डॉक्टर का मानना है कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का टेम्परेचर इतना हाई शूट अप हो ही नहीं सकता। एएसपी अदिति शर्मा, और ये विक्रांत सिंह। आपके नौकर सुरेंद्र सिंह के मर्डर के बारे में बातचीत करने आया, अंदर आ सकते हैं? जी। बैठिए। हेलो। हेलो, नमस्ते दीदी। ये सुरेंद्र के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। देखिए सर, सिंपल सा केस है। हरि और सुरेंद्र हमारे घर का सामान चुरा के भाग रहे थे, दोनों में लड़ाई हुई और एक मारा गया। अब इसमें से और कौन मार सकता है? जी हाँ, हम तो घर पे थे नहीं, और रश्मि हॉस्टल में रहती है, कभी कभार ही घर आती है, तो फिर कौन मार सकता है? लेकिन आपके नौकर हरि प्रसाद का कहना है कि सुरेंद्र को किसी भूत ने मारा है। मैम, सर, ऐसी कुछ हरकतें तो मैंने भी घर में देखी है, बट आई एम श्योर उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन हरि का कहना कि इस घर में भूत है, इट्स इलॉजिकल। दीदी, एक दो बार मुझे भी ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, पर अभी तो पक्का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर है। जैसे? इस घर में कोई भी सामान अगर एक जगह से हिलाओ तो वो वापस अपने जगह पे आ जाता है। जैसे कि मैम, जैसे कि वो कुर्सी। हाँ
मैम ये देखिए, अभी देखिए मैम क्या होता है। रश्मि ये क्या कर रही हो? जीजू मैंने खुद देखा है। आपको यकीन है? जी सर मुझे यकीन है। ठीक है फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी और कमरे में रुकते हैं, शायद कुछ हो जाए। ओके ठीक है सर। कैसे हो सकता है? ये हमारा बेटा है आदि। आई एम श्योर आदि ने किया होगा। आदि तुमने वो चेयर किसकाई? हाँ पापा, चेयर बीच में रखी थी, मुझे लगा आप डांटोगे तो मैंने चेयर ठीक से रख दी। रश्मि जी आपके वहम का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर मिल गया, शायद आपको इस घर में डरने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आपको दोबारा ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप हमें बुला लेना। थैंक यू। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? नहीं ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ, पर अगर रश्मि कह रही है कि ये घर हॉन्टेड है तो हमें एक बार इस घर की हिस्ट्री पता करनी चाहिए। हाँ पता तो करनी चाहिए, लेकिन इस घर की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि किसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस ने ये सब किया है। और इस हरिप्रसाद पे नजर रखना बहुत जरूरी है, शायद उससे कुछ सामने आ जाए। रश्मि कुछ भी बोलने से पहले एक बार पूछ लेती। जीजू ट्रस्ट मी, हाँ कुछ है। वो कहती है कि पापा अच्छे नहीं है, वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। क्या बकवास कर रहे हो आदि? इस घर में पक्का कोई है जो आदि से बात कर रहा है। आदि इस घर में कोई है ना जो तुझसे बात कर रही है? वो सब तो नानी माँ करती है। कौन नानी माँ? आदि जो उस कमरे में रहती है। नानी माँ ने मुझसे कहा है कि जो गलती करता है वो उसे पनिश करती है। आदि आज से आप नानी माँ से बात नहीं करेंगे, बात समझ में आई? क्या हुआ नायिता? योगेश मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं जो आदित्य ने कहा वो सही तो नहीं, कहीं सच में हमारे घर में। कैसी बात कर रही हो नायिता, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी यार। ये आवाज कैसी है? रश्मि होगी, मैं देखता हूं।
रश्मि, रश्मि तुम हो गया? सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। अनाइता, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कुछ है वहां पर। चलो सुरिंदर की किसी के साथ दुश्मनी थी? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, पर हाँ साहब, सुरेंद्र से पहले उधर कृष्णा करके लड़का काम करता था साहब, और सुरेंद्र जब अपने योगेश साहब से मिला ना तो कृष्णा को हटा के सुरेंद्र को काम पे रख लिया साहब। कृष्णा को निकालने के पीछे कोई खास वजह? मेरे को तो नहीं मालूम, पर हाँ, सुरेंद्र और साहब में ना बहुत बनती थी साहब। सुरेंद्र हमेशा साहब के साथ में ही रहता था साहब, काम वाम कुछ भी नहीं करता था सुरेंद्र साहब। देख रही, अगर पूरी बात खुलकर बताएगा तो तेरे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। चल पूरी बात बता। साहब वो अपनी मेम साहब है ना, अनीता मेम साहब, वो सुरेंद्र को योगेश साहब पे नजर रखने के लिए रखी थी साहब। क्यों? साहब क्या है ना कि मेम साहब को ऐसा लगता था कि योगेश साहब ना उनके पैसों को इधर उधर फालतू में उड़ा रहा है, और सुरेंद्र साहब पे नजर रखता था और साहब सुरेंद्र को पैसे देता था, जिससे कि वो मेम साहब को ये ना बताए कि उनकी हरकतें क्या है। कैसी हरकतें? साहब वो अपना योगेश साहब को थोड़ी लड़कीबाजी और जुए का शौक था, सुरेंद्र को सब मालूम था और मेम साहब इससे बहुत नाराज रहते थे साहब। योगेश और अनाहिता ने कुछ देखा? मैम उन्होंने तो किसी को भी नहीं देखा, उन्होंने कुछ अजीब सा फील किया। हाँ मगर आदि ने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसे वो नानी माँ बता रहा था। कहाँ पे देखा? मैम उस तरफ। कमरा पहले भी इसी हालत में था और अभी भी ऐसा ही है। आदि ने नानी माँ के बारे में और कुछ बताया था? पता नहीं मैम कौन है और क्या चाहती है। मैम शायद दीदी आ गई, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। आप यहाँ? रश्मि ने मुझे योगेश के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताया। देखिए अनाहिता, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगी तो मैं आपकी जल्दी से मदद कर सकती हूँ। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इवन जब से योगेश के साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगा है। मैम आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। मुझे इस घर के प्रीवियस ओनर का एड्रेस चाहिए। एक्चुअली ओनर बहुत बुढ़े अंकल हैं, लेकिन हाँ ब्रोकर ने मुझे पहले ही बोला था ये घर हॉन्टेड है, लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। क्यों? आपने उसकी बात इग्नोर क्यों की, जबकि लोग हॉन्टेड घर से तो भागते हैं? वैसे मुझे ये घर बहुत पसंद था और मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैंने ये घर खरीद लिया। ठीक है, आप मुझे ओनर के साथ साथ
इस घर के ब्रोकर की डिटेल्स भी दे दीजिए। बोलो आदित्य। विक्रांत, अब तो पूरे जोशी फैमिली का मानना है कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। इनफैक्ट रश्मि का कहना है कि आदि ने इस घर में एक औरत को देखा, बूढ़ी औरत थी जिसे वो नानी माँ कह रहा था, और मैंने भी इस घर में एक प्रेजेंस महसूस की, और मैंने उस ब्रोकर का नंबर भी ले लिया है। ठीक है, उस ब्रोकर का नंबर मैसेज कर दो, मैं उसे चौकी पे बुलाता हूँ क्वेश्चनिंग के लिए। ठीक है। आपका वो घर है जो आपने एक महीने पहले जोशी फैमिली को बेचा है, उसके बारे में थोड़ी पूछताछ करना चाहता हूँ। दरअसल वो घर हॉन्टेड है सर, मैंने उन्हें बताया भी था, अभी भी उस घर में मर्डर भी हुआ है सर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो घर हॉन्टेड है? दरअसल उस घर के ओनर ने 30 साल के लिए उस घर को रेंट पर दिया हुआ था, पर सर उस घर में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती थी। कभी किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की तो अपने आप ही पिटाई हो जाती है, तो कभी किसी का सर फूट जाता है। और इसके बावजूद आपने वो घर जोशी फैमिली को दिखाया? सर मैं तो ब्रोकर हूँ, पर मैंने मना किया था उन्हें ये घर लेने से, लेकिन वो माने नहीं सर, वो कहते हमें यही घर चाहिए, जबकि सर उन्होंने हमारे ओनर को ज्यादा पैसे देकर ये घर खरीदा और बाद में फिर घर को रिन्यूअल भी किया। आपने कहा कि उस प्रीवियस ओनर ने पिछले 30 सालों से उस घर में टेनेंट्स रखे थे किराए पे। मुझे उन टेनेंट्स की लिस्ट चाहिए और उस ओनर के डिटेल्स भी चाहिए। ठीक है सर, मैं उनके सारे डिटेल्स लाके आपको देता हूँ। तुमसे भी बात नहीं कर सकता, मैं कल फोन करता हूं। हाँ ठीक। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। योगेश, योगेश, ओपन द डोर, आर यू ओके? योगेश, ये क्या कर रहे हो? चलिए आप यहां से। ये कौन है? ये मेरी वाइफ हैं। हाल ही में इनकी डेथ हुई है। मिस्टर दत्ता, आपने हाल ही में अनाहिता जोशी को अपना घर बेचा, मैं जान सकती हूँ क्यों? देखिए मैम, आई एम एन ओल्ड मैन, और वैसे भी 30 साल से मैं उस घर में नहीं रहता। उनको घर पसंद आया, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो मैंने बेच दिया। जब आप उस घर में रहते थे तो आपने कोई भी अजीब चीज होते देखी थी या महसूस की हो? मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़े। वैसे अभी रिसेंटली मर्डर हुआ है तो आई डोंट नो। अच्छा, आपकी फैमिली में से किसी की डेथ हुई थी उस घर में? हाँ, मगर सब पीसफुल डेथ हुई हमारे यहाँ। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हो? दीदी, दीदी, दीदी बिना यार पता नहीं कहाँ चली गई, यहां भी नहीं है दीदी बिना।
ना। वहाँ पे भूत है, भूत है। रश्मि, रश्मि तू डर मत, हाँ पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। लेकिन सुन, अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमें यहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? और तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? कल रात को योगेश पर अटैक हुआ और अब रश्मि पर। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ जोशी फैमिली के साथ क्यों हो रहा है। तुम्हें इन सारी चीजों में एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा है? एक डेफिनेट पैटर्न। क्या? जिस आदमी की बॉडी सबसे पहले उस घर से मिली, वो वहां पे चोरी कर रहा था, और उसके बाद योगेश पे अटैक हुआ। योगेश को भी जुए की लत है और शायद वो अपनी बीवी पे चीट भी करता है। दोनों आदमी कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं। इसका मतलब है जो भी गलत काम करते हैं उनको सजा मिलती है। करेक्ट। पर रश्मि क्या गलत काम कर रही है? वही तो हमें पता लगाना है। योगेश, रहने दो उसे, वो ठीक हो जाएगा। हमें ये घर नहीं खरीदना चाहिए था, तुम्हारी वजह से नेसेसरी इतना खर्चा हो गया। सब कह रहे थे घर हॉन्टेड है, लेकिन तुम मानी नहीं, और तुम्हारी जिद की वजह से हमने ये घर खरीदा। तो तुम क्या कह रहे हो, सारी गलती मेरी है? हाँ, सारी गलती तुम्हारी है, और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल हम जा रहे हैं यहाँ से। योगेश, मैंने ये घर अपने लिए नहीं, हमारे लिए लिया था, आदि के लिए लिया था। मुझे क्या पता था इस घर में आते ही सब कुछ खराब हो जाएगा। आई नो तुम दर्द में हो एंड आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्लीज ऐसे अपसेट मत हो। योगेश। हेलो। हाँ कमल, एक मिनट। हाँ अच्छा, वो तुमने फोन किया, अनाहिता ने पकाई दिया था। हाँ ठीक है, बस थोड़ा दर्द है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। अरे मेरा नौकर सारी ज्वेलरी लेके भाग ही गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो अजीब सा हो रहा है इस घर में। हाँ, शायद किसी भूत ने सुरेंद्र को मार डाला, मैंने भी कुछ ऐसा देखा तो है। अच्छा सुनो, मैं आज रात ही सारा सामान लेके यहाँ से निकलूँगा, फिर हम साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। I'm sorry, Mrs. जोशी, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। रश्मि
कल रात को जो हादसा हुआ उसके उसके बारे में कुछ भी बता सकती हैं आप? आपने कुछ देखा, कुछ सुना, या ये हादसा तकरीबन कितने बजे हुआ? सर हमें तो कुछ खबर ही नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला सर। जब हम सुबह को उठे तो हमने देखा कि चीजू की डेड बॉडी थी। इन दोनों ने कुछ नहीं देखा, और अगर देखा भी हो तो भी इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। इतना तो क्लियर है कि इस घर में कोई प्रेजेंस है, लेकिन उसने योगेश को क्यों मारा और वो चाहती क्या है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सर ये योगेश का फोन, लास्ट कॉल इसमें रात 2 बजे का। रात को 2 बजे किससे बात कर रहा था? फोन स्विच ऑफ है। ये लास्ट डायल कॉल जिसका है उसका एड्रेस मुझे चाहिए। ओके सर। हाँ मैम, वहां पर मर्डर हुआ था। मैंने पता किया कि अनीता को इस बात का पता था कि वो घर हॉन्टेड है, फिर भी उन लोगों ने वो घर खरीदा। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। जोशी का कहना है कि अनाहिता से पहले उस घर में उसकी दोस्त रहती थी। उसने अनाहिता को उस घर की हॉन्टिंग के बारे में भी बताया था। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात जानने के बाद भी वो उस घर में रहने क्यों गई। मेरी बात इस चौकी के पुराने इंस्पेक्टर कुलकर्णी से हुई। उन्होंने कहा कि इस एरिया में कोई नानीमा नाम की औरत रहती थी जो इस एरिया के सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज सॉल्व करती थी, काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर। बात काफी पुरानी है और ये कुलकर्णी भी अब 70 साल के होंगे, और उनके मुताबिक ये बात तकरीबन 40 साल पुरानी होगी। इसका मतलब है कि नानी माँ आज भी अपने तरीके से इश्यूज सॉल्व करती है। अगर ये बात मिस्टर कुलकर्णी को पता है तो मिस्टर दत्ता को भी पता होगी। कल मैं उनसे दोबारा जाके मिलती हूँ। मिलो। आदि बेटा आप रो क्यों रहे हो? हाँ मुझे पता है आपको आपके पापा की याद आ रही है ना। नानी माँ ने मुझे कहा है कि आप गंदे और वो आपको पनिश करेगी। आदि उनसे आज के बाद बात मत करना, समझे तुम? हाँ आदि, 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 रुको आदि। आदि, 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 क्यों रही है दीदी? हम ये घर में नहीं रह सकते दीदी, हमें ये घर छोड़ना होगा। गलती मेरी है, ना मैं जिद करती ना हम इस घर में आते। इस घर ने तो मेरा पति भी मुझसे छीन लिया।
हाँ जोशी। हेलो। उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, सर उस नंबर का रियल ओनर योगेश का दोस्त कमल है, पर कमल का कहना है कि योगेश ने ये नंबर उससे खरीदवाया था। इसका मतलब योगेश का कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, जिसे उसने ये नंबर दिया था पर्सनली उसके लिए। चलो एक काम करो, उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दे, शायद उस लोकेशन से कुछ पता चले। ओके सर। मिस्टर दत्ता, आपने मुझसे कहा था कि आप उस घर के फर्स्ट ओनर थे, लेकिन लोगों का कहना है कि वो घर किसी औरत के नाम था जिसे लोग नानी माँ कहते थे। अब आप मुझे पूरी बात बताइए। वो मेरी मदर इन लॉ थी। शी वॉज ए वेरी इरिटेटिंग लेडी, हमेशा उसूल आदर्श की बात करती थी। आसपास के गांव वाले जस्टिस के लिए उसके पास आते थे, वो आदमियों को मारती थी जस्टिस के लिए, यू नो। मैं और मेरी वाइफ उनसे बहुत इरिटेट रहते थे। तो आपने उन्हें मार दिया? नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। एक्चुअली वो बीमार पड़ गई थी और फिर हमने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ वो और बीमार हो गई और फाइनली उनकी डेथ हो गई। लोगों को अवॉइड करने के लिए हमने वो घर ही छोड़ दिया। मिस्टर दत्ता, काश मैं आपको इस बात के लिए अरेस्ट कर पाती, लेकिन आप अपनी इस एज में जो जिंदगी काट रहे हैं ना, वो किसी जेल से कम नहीं है। हाँ दीदी। विक्रांत, हमारा शक सही निकला। नानी माँ की आत्मा उन्हीं को सजा देती है जो गलत काम करते हैं, लेकिन वो जोशी फैमिली को क्यों सजा देना चाहती है, ये बात समझ में नहीं आ रही। वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे उस नंबर को लेकर एक अच्छी लीड मिली है। जिस नंबर पर आज तक सिर्फ योगेश कॉल करता था, उस नंबर से 10 दिन पहले किसी और नंबर पर भी कॉल गया। किसके नंबर? अनिरुद्ध सक्सेना नाम का कोई लड़का है। अब यही लड़का बता पाएगा कि वो नंबर आखिर किसका है जिस पर योगेश हर बार कॉल करता रहता है, और वो फोन किसके पास है। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ। ये अनिरुद्ध सक्सेना आ रहा है चौकी पे मुझसे मिलने। ठीक है। सर, मुझे विक्रांत सिंगल सर से मिलना था। सुनिए जरा, सर बैठ जाओ। अनिरुद्ध सक्सेना। जी सर। बैठ। सर आपने मुझे क्यों बुलाया? सर डरो मत, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है तुमसे। सर मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको? अरे पहले सुन तो ले। इस नंबर को ठीक से देख, इस नंबर से 10 दिन पहले तेरे नंबर पे कॉल आया था। तू बता सकता है ये नंबर किसका है? सच बोल रही है रश्मि? हाँ दीदी, आप क्या कह रही है? वो औरत मुझे मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती दीदी, बस बचा लीजिए। तो मर जा, सजा तो तुझे मिलेगी रश्मि। सर ये नंबर तो रश्मि का है सर। दीदी आप क्या कह रही है दीदी, प्लीज। तूने मेरी बहन होकर मेरे पति के साथ अफेयर चलाया? जी
मेरी छोटी बहन, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी रश्मि, और तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, ये सब तेरी गलती का नतीजा है रश्मि, सब जैसी करनी वैसी भरनी। रश्मि, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ? विक्रांत, जल्दी से अंदर जाना। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तुम्हारी बहन है, तुम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती हो। माफ कर दो उसे। रहने दो अदिति, इसे सिर्फ अपना बदला दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। इसके बदले की आग में इसका पति जलकर मर गया, इसे अपने बच्चे की परवाह नहीं है, तुम्हारी बात क्या मानेगी? अनाहिता, माफ कर दो उसे। सजा मिलेगी। बहन है वो तुम्हारी, माफ कर दो उसे, शायद वो बच जाए। अपनी बहन का घर बर्बाद करके कब तक जी सकती थी वो? योगेश और रश्मि ने तो बेशर्मी की सारी सीमा क्रॉस कर दी थी। मेरे घर में रहने के बावजूद हमेशा साथ रहते थे। मैंने योगेश को कितना समझाया, कितना लड़ी, पर नहीं माना वो। ये तो मेरी बहन थी।
मिलेगी।